किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में अलग अलग किस्म के गेहूं, चना, अलसी, मूंग, सोयाबीन के फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की 3 नई किस्मों को अधिसूचित करने पर बधाई दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कई किस्म की फसलों को लेकर फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों से फसल को लेकर चर्चा की और उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस मौके पर कमल पटेल ने कहा कि पहले हमें नई किस्म की फसलों के पैदावार को करके दिखाना होगा, इसके लिए सरकार सहयोग करेगी। इसके बाद जब एक ग्राम पंचायत में यह सबको समझ में आएगा कि इस फसल के क्या फायदे हैं, तब किसान इसकी जानकारी दूसरों को देंगे और फिर इसका विस्तार होगा। उसको सहयोग करेंगे, कंपनियों को लाएंगे, करेंगे सहयोग करें, शुरू में सरकार उसमें अनुदान दे और उसमें पैदा करके दिखा दे, और एक पंचायत में आपने करके एक गांव में भी दिखा दिया तो फिर वो पूरा फैलता है। ये सब चीज़ें जो प्रचार प्रसार हुआ ना, देख देख के हुआ है। किसान ने एक एक चीज़ में अच्छा लगा उसको, इसमें उत्पादन अच्छा, पहले हम खूब बोलते थे तो वो कहते आप क्यों नहीं लगा रहे। ये देखिए प्रश्न पहले करता है कि इतनी अच्छी आमदनी तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो खुद को करना पड़ता है। जब खुद करके दिखाएंगे तो हम एक गांव के अंदर एक प्लाट में दिखाएं और फिर उसकी आमदनी दिखेगी, इतना उत्पादन हुआ, पारदर्शिता, जितना खर्चा आ रहा है इतना आमदनी हो रही है, तो किसान उसको फिर करेंगे, उसकी आमदनी बढ़ेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।